नमस्ते इंडिया, तो सब बढ़िया है ना? अयोध्या राम मंदिर के बारे में तो आप जानते ही हो, कई सालों से काफ़ी सारे विवाद और कोर्ट केस चले आ रहे थे कि इस ज़मीन पर राम मंदिर बनाया जाए या नहीं, और फाइनली नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और अब 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाने वाला है। इस मंदिर के नीचे 2000 फीट गहरा गड्ढा करके एक टाइम कैप्सूल को अंदर डाला जाएगा, जिसमें मंदिर के डॉक्यूमेंट की कॉपी रखी जाएगी ताकि वापस फ्यूचर में मंदिर से रिलेटेड किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आप सोचोगे ये टाइम कैप्सूल क्या है, तो आज के वीडियो में मैं आपको टाइम कैप्सूल से रिलेटेड काफ़ी सारे रोचक बातें बताने वाली हूँ। जैसे क्या है ये टाइम कैप्सूल, किस चीज़ से बनता है ये टाइम कैप्सूल, क्या इंडिया में भी इसके पहले टाइम कैप्सूल का यूज़ किया जा चुका है, इंडिया के अलावा भी दूसरे देशों में इसका यूज़ किया जा चुका है या नहीं, टाइम कैप्सूल का उद्देश्य क्या है, तो वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ, हमारी छोटी मगर मोटी बात मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग हैं, क्या पता कल नहीं होंगे। अर्थ पर मानव जीवन का अस्तित्व भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। सूरज आज से अरबों सालों के बाद नहीं रहेगा, या अचानक किसी दिन उल्का पिंड अर्थ से टकराएगा और पूरी मानव जाति को खत्म कर देगा। सदियों पहले अर्थ पर डायनासोर थे, अब नहीं है, पर आज हम लोग हैं। ये सब बताने का मतलब सीधा है कि हमारी पृथ्वी की संरचना ऐसी है कि यहाँ जीवन का अस्तित्व हमेशा रहेगा, ये साइकिल चलते रहेगा। तो सोचिए कितना अच्छा हो यदि हम हमारा आज का रहन सहन, हमारी खोज, हमारी संस्कृति, विचार, अलग अलग लैंग्वेजेस, इन सब चीज़ों की जानकारी हमारे बाद हमारे नए जीवन को दे सकें। इसी कारण ये टाइम कैप्सूल बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल एक सर्कुलर कंटेनर की तरह होता है जो मेनली तांबे या स्टील से बनाया जाता है, और इस कंटेनर को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वो हर तरह के मौसम और टेम्परेचर को आसानी से झेल पाए, और इस जमीन के अंदर काफ़ी गहराई में उसे डाल दिया जाता है। इसके बाद भी ना तो ये सड़ता है ना ही खराब होता है, और तो और इसे एयर प्रूफ भी बनाया जाता है ताकि नमी के कारण अंदर के कोई डॉक्यूमेंट खराब ना हो पाए। अयोध्या में जो टाइम कैप्सूल डाला जाने वाला है उसके अंदर खुदाई में निकले अवशेष डाले जाएंगे जो राम मंदिर बनने का मेन प्रूफ है, और कोर्ट में लिए गए फैसले की एक कॉपी डाली जाएगी। इसके अलावा भी कई चीज़ें डाली जाएगी जिससे फ्यूचर में लोगों को इस मंदिर की हिस्ट्री की जानकारी मिल पाए। ये न्यूज़ कितनी सही है और कितनी गलत, ये तो हमें 5 अगस्त को ही पता चलेगा कि टाइम कैप्सूल को अयोध्या में गाड़ा जाएगा या नहीं। इंडिया में ये पहली बार नहीं है कि टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है, इसके पहले भी टाइम कैप्सूल रखा जा चुका है। सन 1973 में पीएम इंदिरा गांधी ने लाल किले में 32 फीट की गहराई में एक टाइम कैप्सूल दफनाया था, जिसे लेकर उस समय काफ़ी सारे विवाद चल रहे थे, और ये भी बोला जा रहा था कि टाइम कैप्सूल में उनके परिवार की पूरी हिस्ट्री है। 1977 में जब मोरारजी देसाई पीएम बने तो कुछ समय बाद उनके नेतृत्व में इस कैप्सूल को निकाला गया, लेकिन उस कैप्सूल में क्या था इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं चल पाई है, जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे उन पर भी 2011 में टाइम कैप्सूल को गांधीनगर में महात्मा मंदिर के नीचे दफनाने की बात सामने आई थी, पर इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है ये किसी को भी नहीं पता। इसी तरह 2009 में मायावती भी टाइम कैप्सूल को लेकर चर्चा में थी। 2019 में भी जलंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस में एक टाइम कैप्सूल को 10 फीट की गहराई में डाला जा चुका है, जिसमें लैपटॉप, हार्ड डिस्क, सोलर पैनल, मोबाइल, ड्रोन, पेन ड्राइव जैसे उपकरण डाले गए हैं जो फ्यूचर में 2019 में यूज़ होने वाले सभी गैजेट्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारे अलावा भी लगभग सभी कंट्री में टाइम कैप्सूल का यूज़ किया जा चुका है। USA तो अब तक के 50 से ज़्यादा टाइम कैप्सूल फ्यूचर के लिए बना चुका है, और इनमें से कुछ तो स्पेस में भी भेजे जा चुके हैं, शायद इस उम्मीद में कि किसी दिन कोई टाइम कैप्सूल किसी एलियन तक पहुंच जाए और उन्हें हमारी अर्थ के बारे में पता चल जाए। इसके अलावा चंद्रमा पर भी एक टाइम कैप्सूल रखा जा चुका है जिसमें अर्थ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा yahoo.com ने भी अपनी 20th एनिवर्सरी पर 2006 में एक डिजिटल टाइम कैप्सूल स्टार्ट किया था जिसे याहू टाइम कैप्सूल का नाम दिया गया। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको टाइम कैप्सूल के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। चलिए अब वक्त है हमारे सेक्शन छोटी मगर मोटी बात का। हाई हील्स फैशन में लेडीज की पहली पसंद है, पर क्या आपको पता है कि एक्चुअली हाई हील्स फर्स्ट टाइम मेंस के लिए इन्वेंट की गई थी। दरअसल हॉर्स राइडिंग करने वाले लोगों को रकाब से फिसलने से बचने के लिए इसको बनाना शुरू किया गया था, और जल्द ही ये एक स्टेटस सिंबल बन गया।
हील्स पहनने का मतलब आप बहुत रिच हो और एक हॉर्स के मालिक हो, पर जल्द ही अनकंफर्टेबल होने के कारण मैंने इसे पहनना बंद कर दिया। तो कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।